हेलो गाइस, आज हम नए तरीके से बनाए गए पालक और आलू की रेसिपी लेकर आए हैं जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने सभी पालक को अच्छे से धोकर साफ़ कर लिए हैं। अब इसको हम कट कर लेंगे। देखिए, हमने पालक को इस तरह से पकड़कर आराम से कट कर लेंगे। इसी तरह हम सभी पालक को कट कर लेंगे। देखिए, हमने सारे पालक को कट कर लिए हैं। अब गैस पर एक पैन रखेंगे, उसमें आधा चम्मच तेल डालेंगे और एक हरी मिर्च, दो लहसुन डालकर थोड़ा भून लेंगे। इसमें सारे पालक को हम डाल देंगे और 2 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। देखिए, 2 मिनट बाद मेरे पालक सख्त और नरम हो गए हैं। पालक को पानी जलने तक धीमी आंच पर पका लेंगे। तक हम गैस पर तवा रखेंगे, उसमें 2 चम्मच बेसन डालकर इसको हल्का भून लेंगे। इसको धीमी आंच पर भूनेंगे, नहीं तो मेरे बेसन जल सकते हैं और इसमें कड़वापन आ सकता है, जिससे मेरे सब्जी का टेस्ट ख़राब हो सकता है। देखिए, हमने धीमी आंच पर गोल्डन हल्का भून लिए हैं और देखिए मेरे आधा पालक पक गया है, इसका पानी भी सूख गया है। इसको एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। हमने सेम पैन में 2 चम्मच तेल डालकर गरम कर लिए हैं और एक बटर भी डाल दिए हैं और आधा चम्मच साबुत धनिया को हाथों से क्रश करके डाल दिए हैं और आधा चम्मच हमने जीरा डाल दिए हैं और 2 लाल मिर्च। इन सभी को हल्का गरम कर लेंगे। बटर डालने से सब्जी का टेस्ट बढ़ जाता है। इसके बाद हमने 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे। इन सभी को 2 मिनट तक हम धीमी आंच पर पका लेंगे। इसके बाद 1 चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ डाल देंगे और 1 पिंच हींग डालेंगे। इसके बाद हमने 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कट कर के डाल दिए हैं और इसको हल्का भून लेंगे। इसके बाद इसमें 1 मीडियम साइज का आलू हमने पीसेस में कट करके डाल दिए हैं। इसके बाद हम इसको 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। देखिए, मेरे आलू भी अच्छे से लाल हो गए हैं। इसके बाद हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और इसको मिक्स करते हुए पका लेंगे। अब इसमें 1 मीडियम साइज का टमाटर बारीक कट करके डाल देंगे और 1/2 चम्मच इसमें नमक। इन सभी को अच्छे से चलाते हुए पका लेंगे। देखिए, मेरे टमाटर और आलू आधा पकी गए हैं। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे।
आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इन सभी को मिक्स करने के बाद थोड़े देर के लिए हम ढक देंगे ताकि मेरे आलू थोड़ा पक जाए। देखिए मेरे मसाले तेल छोड़ दिए हैं, मेरा आलू मसाला अच्छे से भून गए हैं। अब इसमें हमने जो बेसन को भून कर रखे थे उसको ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए अच्छे से मिक्स कर दिए हैं, अब इसमें हम कुछ पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिलाते हुए इसको चला लेंगे। थोड़ी सी इसमें पानी और ऐड करेंगे और चला लेंगे। इसमें एक बॉईल आने तक इसको चलाएंगे। इसके बाद हमने पालक को डालकर मिक्स कर देंगे। देखिए हमने चलाते हुए अच्छे से पालक को मिक्स कर रहे हैं। पालक और आलू का सब्जी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। एक बार मेरे तरीके से आप लोग ज़रूर बनाइएगा और 2 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। देखिए 2 मिनट के बाद सब्जी का कलर कितना खिल कर आया है। सभी चीज़ आलू पालक और सभी मसाला अच्छे से मिक्स हो गए हैं और इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डालकर इसको अच्छे से चला लेंगे। हमने आलू को चेक कर नहीं किए, एक बार चेक करके दिखा रहे हैं। देखिए आलू अच्छे से पक गए हैं, सभी चीज़ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसको एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। गाइस मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।